तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें, और आइए अब खबरों में बढ़ रहे हैं आगे। देश भर में जश्न आज़ादी का उल्लास छाया हुआ है। देश की प्रमुख इमारतें दो दिन पहले से ही तिरंगे की रोशनी में नहाती हुई दिखी। ये 5 तस्वीरें आप अलग अलग जगहों की देख रहे हैं। दिल्ली का संसद भवन देखिए, रोशनी से जगमगा रहा है। वहीं मुंबई की तस्वीर आप देख रहे हैं, बीच की तस्वीर भी दिल्ली की है और कनॉट प्लेस जो है वो सजा धजा हुआ है। लखनऊ की तस्वीर आप देख रहे हैं, 15 अगस्त की तैयारियाँ जोर शोर से। देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए तैयार है। इस मौके पर किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए सुरक्षा बल सतर्क है। दिल्ली पुलिस भी अलर्ट पर है। रविवार के दिन देश के अंदर 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, जिसके चलते जो है राजधानी दिल्ली जो है वो हाई अलर्ट पर है, क्योंकि आतंकी खतरा जो है राजधानी दिल्ली के ऊपर मंडरा रहा है और आतंकी जो है किसी भी तरह की आतंकी गतिविधि को अंजाम दे सकते हैं, जिसके चलते जो है दिल्ली पुलिस जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद नज़र आ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के इंडिया गेट के सर्कल पर, जहां पे आप देख सकते हैं किस तरह से जो है दिल्ली पुलिस जो है लगातार जो है तलाशी अभियान जो है वो चलाए हुए है। एक एक गाड़ी को बाकायदा रोक कर चेक किया जा रहा है, ताकि कोई संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध गाड़ी जो है वो दिल्ली पुलिस की नज़र से ना निकल सके। जिस तरह से जो है जो चेकिंग अभियान है वो भी जोर शोर से चालू है। दिल्ली के कई इलाकों में जो है चेकिंग अभियान जो है किया जा रहा है। तमाम बॉर्डर जो है वहाँ पर भी चेकिंग अभियान जो है वो किया जा रहा है। साथ ही साथ जो है यहाँ पर PCR भी खड़ी हुई है, और मैं आपको एक बात बता दूँ, जो PCR है, PCR पर जो है दिल्ली पुलिस ने हर PCR के ऊपर एक पोस्टर लगाया हुआ है, और ये जो पोस्टर है ये पोस्टर जो है आतंकवादियों का है, जिसमें जो है कुछ आतंकवादी हैं जिनकी जो है तस्वीर दी गई है, और ये कहा गया है कि अगर इन आतंकवादियों का पता जो है चले तो दिल्ली पुलिस को सूचना दे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अलकायदा के 6 आतंकी हैं जिनकी तलाश जो है दिल्ली पुलिस को है। तो जाहिर सी बात है जिस तरह से जो है पोस्टर अभियान चालू है, दिल्ली पुलिस चेकिंग अभियान जो है वो कर रही है, साथ ही साथ गाड़ियों को रोक रोक कर तलाशी अभियान जो है वो किया जा रहा है, तो जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 75वां जो स्वतंत्रता दिवस है उसको लेकर जो है दिल्ली पुलिस कितनी गंभीर है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ वाजिद अली, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। देश की आज़ादी के जश्न का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, उसके साथ ही साथ इस आज़ादी के दुश्मनों की करतूतें भी बढ़ रही है। 15 अगस्त के जश्न के मद्देनज़र दिल्ली समेत देश के बड़े शहरों की सिक्योरिटी तो बढ़ा दी गई है, अब आर्मी ने LOC पर भी तैनाती तेज और मुस्तैद कर दी है। LOC पार पाकिस्तान फौजियों पर निगाह रखनी हो या फिर आतंकियों के अड्डों से उन्हें ढूंढ निकालना हो, LOC पर इंडियन आर्मी के शेर 15 अगस्त के मद्देनजर एक एक खतरे को ढूंढने और उसे जमींदोज करने के लिए तैयार है। हाथों में असॉल्ट राइफल और दिल में देशभक्ति का ये जज्बा सबूत है कि जब तक ये बहादुर LOC पर डटे हैं, तब तक दुश्मन क्या एक परिंदा भी इनकी नजरों से बचकर नहीं जा सकता। इस मुस्तैद पेट्रोलिंग और एरिया डोमिनेंस की वजह है आजादी का जश्न, जिसमें खलल डालने का अलर्ट आर्मी तक पहुंच चुका है। जब पुंछ में मीडिया के कैमरे पहुंचे तो इंडियन आर्मी के शूरवीरों का ये हाई वोल्टेज एक्शन कैमरे में कैद हो गया। LOC पर इस तैनाती और तैयारी की वजह है पाकिस्तान की तरफ से बढ़ी करतूतें। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी फौज और ISI ने 15 अगस्त के जश्न से पहले LOC पर मेक शिफ्ट टेरर लॉन्च पैड्स को एक्टिव कर दिया है। न्यूज नेशन को मिली जानकारी के मुताबिक गुरज के पास सोनार, तौबर और लोसर में 3 लॉन्च पैड खड़े किए गए हैं। माचिल के ठीक सामने 4 लॉन्च पैड देखे गए हैं। तंगधार सेक्टर के सामने मंदकुली, जमुआ और खरहजना में 3 लॉन्च पैड हैं। इसके साथ ही उरी सेक्टर के सामने गपडोनी, लीपा घाटी और बंदी एरिया में 4 से 5 लॉन्च पैड देखे गए हैं। इतनी बड़ी एक्टिविटी और 200 से ज्यादा आतंकियों की मौजूदगी सीधा सिग्नल है कि पाकिस्तान की सरपरस्ती में पलने वाले आतंकी सपोले 15 अगस्त के आसपास किसी बड़ी वारदात या घुसपैठ को अंजाम देने की फिराक में है, और इन्हीं इरादों को खाक करने के लिए बारूदी ताकत के साथ डटी है इंडियन आर्मी। टीम न्यूज नेशन। और आइए बात करते हैं कश्मीर में बड़ी साजिश के बेनकाब होने की। कुलगाम में एनकाउंटर के जरिए सुरक्षा बलों ने बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। एक पाकिस्तानी आतंकी मारा गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है हथियारों के जखीरे की बरामद की। ये ऐसे हथियार हैं जिसके जरिए आतंक के बड़े षड्यंत्र का पता चलता है।
सदन का अड्डा जलकर खाक। बरामद हुआ साजिश का हथियार। 15 अगस्त के पहले बड़ी साजिश नाकाम। बिल्डिंग में छुपे आतंकियों की गोलीबारी का जवाब देते जाबाज जवान। ग्राउंड जीरो से एनकाउंटर की ये तस्वीरें। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच ये मुठभेड़ तब शुरू हुई जब दहशत गर्दों ने जम्मू से श्रीनगर जा रहे बीएसएफ के काफिले पर हमला किया। काजीकुंड हमले में जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीएसएफ के काफिले पर अचानक अंधाधुंध फायरिंग की गई। हमले के बाद आतंकी बिल्डिंग में छिप गए। इसके बाद सेना, पुलिस और सीआरपीएफ की ज्वाइंट टीम ने मोर्चा संभाला और हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों को घेर लिया। शाम को एनकाउंटर शुरू हुआ और सुबह होते होते जिस बिल्डिंग में आतंकी छिपे थे वो धू धू कर जलने लगे। सूरज की रोशनी में इस एनकाउंटर की सफलता का एहसास हुआ। एनकाउंटर में लश्कर के पाकिस्तानी आतंकी समेत 2 आतंकियों का खात्मा। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी ने एनकाउंटर की अहमियत के बारे में बताया। जब बीएसएफ की कन्वॉय आ रही थी, एक बड़ा सा जो बिल्डिंग है वहां से 2 टेररिस्ट अंधाधुंध फायरिंग शुरू किया। उसमें हमारा कोई इंजर्ड नहीं हुआ। सिक्योरिटी फोर्स ने इसको पूरा घेर लिया। इनकाउंटर जारी हुआ। रात में जीओसी विक्टर फोर्स, मैं खुद वहां मॉनिटर किया। हम लोग रॉकेट लॉन्चर यूज किए, मिलिटेंट को रात में न्यूट्रलाइज कर लिए। क्योंकि रात में सर्च करना मुश्किल था, तो आज मॉर्निंग में जब सर्च किया गया तो एक पाकिस्तानी टेररी जो उस्मान कहा जाता है, पिछले 6 महीना से एक्टिव था, उसका डेड बॉडी मिला है। और वहां से बहुत सारे सामान मिला, AK-47 मैगजीन, ग्रेनेड, RPG-7 का जो रॉकेट लॉन्चर ग्रेनेड मिला है। और ये इंसिडेंट शो करता है कि कितना बड़ा हादसा करने वाला था। बहुत दिनों के बाद RPG का सेल मिला। यही वो हथियार है जिसके बारे में आईजी साहब बता रहे हैं। तस्वीरों में आतंकियों की साजिश के जखीरे को देखा जा सकता है। रॉकेट लॉन्चर और 2 रॉकेट, ये वो हथियार हैं जिसके जरिए आतंकी कुलगांव में 15 अगस्त से पहले बड़े हमले का प्लान कर रहे थे। जो मिलिटेंट हैं कुछ बड़ा करने की फिराक में, और खासकर अगर आप इनपुट की बात करें तो जो बाईपास रहता है हमेशा काफ़ी संवेदनशील रहता है, और वहाँ पे अटैक होने की बात थी। इसी को लेके जो है ये अटैक था। जैसे मैंने कहा, बड़ी बात यह है कि रॉकेट जो है काफ़ी समय बाद मिलिटेंटों से मिले हैं, और अगर ये यूज़ किए जाते और इस्तेमाल किए जाते तो काफ़ी जो है नुकसान पहुंच सकता था सुरक्षा बलों को। लेकिन उससे पहले ही जो है इस मिलिटेंट को जो है मार गिराया गया है। 15 अगस्त को लेके जैसे मैंने कहा, एक बहुत बड़ा जो है अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा बल तैनात हैं, पूरी चौकसी जो है बरती जा रही है। और इस वक्त भी अगर आप बात करें 15 अगस्त को लेके, काफ़ी सेंसिटिव इलाकों में जो है एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट की है सुरक्षा बलों। 15 अगस्त के पहले जम्मू कश्मीर में आतंकी लगातार हमले की कोशिश कर रहे हैं। 12 अगस्त को कुलगांव में हमला किया गया, जिसके बाद एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए। बारामूला में आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश की। हमले के साथ सेना की कार्रवाई में बरामद हो रहे हथियार आतंकी आकाओं की खौफनाक साजिश को बेपर्दा कर रहे हैं। कुलगांव से रॉकेट की बरामदगी की गई। कुपवाड़ा में एक दिन पहले मिला हथियारों का जखीरा। कुपवाड़ा में एक दिन पहले मिले इस हथियार के जखीरे को देखिए। 15 हैंड ग्रेनेड, 15 पिस्टल, ये वो हथियार हैं जिसके जरिए आतंकी जम्मू कश्मीर को आतंक की आग में झोंकना चाहते हैं। ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर्स के जरिए हमले का ताना बाना बुना जा रहा है, लेकिन आतंकियों की हर साजिश को नाकाम करने के लिए तैयार हिंदुस्तान के बहादुर सिपाही। मीर फरीद।